बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक नीति आयोग की हुई है, जो विकसित भारत 2047 में क्या करना है और ये देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इसलिए राज्य ने क्या क्या किया है उसका ब्यौरा पूरा हुआ। हमारे महाराष्ट्र सरकार राज्य में जो आज इंफ्रा के प्रोजेक्ट चालू है उसकी भी जानकारी मैंने दी। आज हमने दिव्यांग मंत्रालय बनाया, आज हमने ट्रांसजेंडर का निर्णय लिया, आज यहाँ पर जितनी योजना है, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने विकास और कल्याण, ये कल्याणकारी योजना के साथ ये सब योजनाएं, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री युवक प्रशिक्षण योजना, किसानों को जो पंप से इलेक्ट्रिक पंप से खेती करते हैं उनको मुफ्त ये उनका बिजली माफ कर बिल माफ करना, ये योजना जो की है उनका भी ब्यौरा दिया उनको। और जहाँ सूखा पीड़ित इलाका है वहाँ जो पानी समुद्र में जाता है वो उसको मराठवाड़ा वाटर ग्रिड हो, कोंकण से जो पानी बह के समुद्र में जाता है उसका प्रोजेक्ट हो, प्रकल्प हो, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उनके भाषण में कहा कि जो नदी जोड़ प्रकल्प है, जो रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसको करना चाहिए, ताकि जहाँ ज़्यादा पानी है या कम पानी है वो समतोल हो जाएगा, उनको न्याय मिलेगा। और निश्चित रूप से ये कई महत्व के सुझाव आ गए मुख्यमंत्रियों के तरफ से भी, और प्रधानमंत्री जी ने भी 2047 तक क्या क्या करना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि कई आज फिलहाल देखेंगे तो कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है, और वहीं पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। 11वें में से हम 5वें नंबर पे आए, 5वें में से 3रे नंबर पे आने वाले, आज ये देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहा है। और इसलिए सभी राज्यों ने मिलकर ये ध्यान में रखना चाहिए अपना अपना योगदान। जैसे हमारा $1 ट्रिलियन का, जैसे $5 ट्रिलियन का मोदी जी का सपना है, उसमें हमारे राज्य का $1 ट्रिलियन का गोल जो है हम 100% अचीव करेंगे। ऐसे कई राज्य जो है, सभी राज्य एफर्ट्स लेंगे और विकसित भारत 2047 जो है वो पूरा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।